नमस्कार, आपके साथ व्यवहार रवि का अजय मिश्रा। हरियाणा में इस साल पांचवी और आठवीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। सीएम मनोहर लाल ने इसकी घोषणा कर दी है। सरकार ने पहले दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा करवाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अब फैसला एक तरह से एक साल के लिए वापस ले लिया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फैसले के खिलाफ लंबवत हो गए थे, जिसके बाद सरकार ने फैसला वापस लिया। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने पांचवी और आठवीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों को बड़ी राहत देते हुए बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने फैसले की घोषणा की। सीएम ने कहा कि कोविड और लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए एक साल के लिए बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। स्कूलों में जो बच्चों की, खास करके आठवीं और पांचवीं के बच्चों के बोर्ड की परीक्षा का विषय था, उसमें सीबीएसई के भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो वहाँ से मान्यता प्राप्त है और कुछ हमारे अपने भी हैं, तो ये था कि सभी बच्चों के हम इस बार आठवीं के और हरियाणा बोर्ड के परीक्षा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कोविड इसका कारण रहा है, पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है और इस बार बोर्ड के ये नहीं लिए जाएं। हमने तय किया कि एक वर्ष के लिए अब ये जो बोर्ड की परीक्षा है, ना आठवीं की ना पाँचवीं की, किसी की भी नहीं, ना सीबीएसई की ना अपने स्कूलों की, किसी की भी कोई ऐसी बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएंगी। स्कूल ही अपनी परीक्षा लेंगे और जैसे पिछले साल हमने किया था उसी हिसाब से इस बार। आपको बता दें कि सरकार ने पांचवी और आठवीं का बोर्ड परीक्षा करवाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद अभिभावकों समेत निजी स्कूलों के एसोसिएशन इस फैसले के विरोध में आ गए और बोर्ड ने इस फैसले को आर्थिक लाभ लेने का रास्ता बताया था। इसका उद्देश्य 4.5 लाख आठवीं के बच्चे हैं, 2500 से ऊपर स्कूल है, 5000 रुपए एक स्कूल से बच्चे की कैलकुलेशन, एक स्कूल से रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस ओब्लिक एफिलिएशन फीस ले रहे हैं, और 550 रुपया पर बच्चा है। 4.5 लाख गुना 550, 5000 गुना 2500, मोटी मोटी फिगर बता रहा हूँ आपको, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये एक फाइनेंशियल एक कैलकुलेशन का एजेंडा है। बोर्ड परीक्षा का विरोध कर रहे निजी स्कूलों को 12 एसोसिएशन के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 फरवरी को मीटिंग के लिए बुलाया था, जिस पर सीएम ने कहा कि बैठक बुलाए जाने की जरूरत होगी तभी मीटिंग करेंगे। बैठक तो बुलाई हुई है, लेकिन हमने डिपार्टमेंटली अपने मंत्री साहब से बातचीत करके तय किया है, अब उस बैठक में अगर बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी बुलाएंगे, नहीं तो निर्णय हमारा ये है कि अब उसको नहीं किया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली। पांचवी और आठवीं बोर्ड परीक्षा कैंसिल होने से एक तरफ जहां बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलेगी, वहीं पेरेंट्स पे भी अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि एक साल के लिए स्थगित कर रहे अपने इस फैसले को, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और इसलिए एक साल के लिए इस फैसले को स्थगित किया जा रहा है। पहले फैसला लिया गया कि बोर्ड होगा, फिर विरोध भी जिला सरकार ने फिर कह दिया कि कोरोना की वजह से फैसला वापस ले रहे हैं, क्योंकि कोविड में पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है बच्चों की। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं। कुलभूषण शर्मा हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी जुड़ गए हैं। एक एक करके हम अपने पैनलिस्ट से आपको मिलवाते जाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाते जाएंगे। बड़ी खबर है तो बिना देरी किए, कुलभूषण जी, राहत की सांस ली आप लोगों ने? बिल्कुल सही, इस पे राहत हमें नहीं, इस पे हरियाणा प्रदेश के बच्चों को एक बहुत बड़ी राहत है। और हम शुरू से ये कह रहे थे कि कोविड के दौरान जो लर्निंग लॉस हो रहा है, बच्चे 2 साल पीछे चले गए हैं और आनंद फानंद में उनको परीक्षा के चुनाव में डालना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो ये हरियाणा के प्रदेश के बच्चों के लिए एक बहुत जो है चुनाव मुक्त जो है करने का फैसला जो मुख्यमंत्री ने लिया है, मुझे तो लगता है कि फैसला लेना ही नहीं चाहिए था परीक्षा का। हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मीटिंग की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, बच्चों के तनाव को देखते हुए, उनके हित को देखते हुए ये फैसला तुरंत वापस होना चाहिए और पहले ट्रिपल एस ए का गठन होना चाहिए, स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी।
और उसके बाद समान रूप से ऐसी शिक्षा और परीक्षा नीति बनाई जाए जिससे अगले वर्ष से पहले जो है स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई जाए, उसके बीच में सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाए, सीबीएसई हरियाणा बोर्ड के स्कूल, आईसीएसई आईबी बोर्ड के स्कूलों को, फिर एक अच्छी एजेंसी का जो है गठन किया जाए जो इनकी परीक्षा का जो है मूल्यांकन का काम करे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मानकर हमारे फैसले के अनुसार जो है हमारी जो विचारों के अनुसार इतना गठन का कोई जिक्र नहीं किया गया जिसका आप बात जिसकी आप बात कर रहे जो आप फ्रेम दिखा रहे हैं। सीएम साहब ने कहा कि कोविड के चलते बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ इसलिए एक साल के लिए स्थगित कर रहे हैं, फैसला वापस नहीं हुआ है, एक साल के लिए स्थगित कर रहे हैं ये कहा गया है। इस पर मैं आऊंगी आपके पास। सत्यवीर डागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सरकार ने पहले कहा था कि पांचवी और आठवीं की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, सर अब कह रही है कि नहीं होंगी, एक साल तक स्थगित कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मैडम, बड़ी अजीब स्थिति है हरियाणा के अंदर। मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ कहता है, डायरेक्टर कुछ कहता है, जहां आपस में ही तालमेल नहीं है। आपने देखा होगा पीछे बच्चों के स्कूलों पे पिट्टी बंद था और शराब की ठेके रात के 12 बजे तक भी खोले इन्होंने। ये सरकार की मंशा है, सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई पढ़े ना पढ़े ना। आप देखिए, आप कह रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था कि भाई जो बच्चों की पढ़ाई है कोविड के कारण नहीं हुई, अरे आपके वहाँ विद्यालयों में शिक्षक नहीं, आप क्यों नहीं उनकी भर्ती करते? आपका ध्यान बच्चों की तरफ है कहाँ? ठीक है, लिया है इन्होंने अभी के भाई एक साल के लिए लिया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह कि जो किसी बोर्ड से जिनका अपना संबंध है वो हरियाणा बोर्ड से पढ़ाई करता नहीं बच्चा हरियाणा की, उसे सबके सिलेबस अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है, तो ऐसे कैसे हो सकता है मैडम कि भाई सीबीएसई वाला भी हरियाणा बोर्ड में देगा, फिर तो ये जो कहेंगे कि यूपी वाले भी हमारे भी दो भाई, आप यूपी बोर्ड भी दो। क्या आप सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना होमवर्क के एक फैसला कर लिया था सरकार ने इसलिए वापस लेना पड़ा? बिल्कुल मैडम, कोई होमवर्क नहीं है, मैंने कहा ना पिछले, देखिए आप एजुकेशन को लेके पिछले साल से ही ले लीजिए आप, जब 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर हुआ क्या है? आप बच्चों को पढ़ाना नहीं, ऑनलाइन कौन, जहां बच्चे कहते कि भाई अभी मुझे बच्चे के हाथ, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं देना है, और अब बच्चों ने सीखा क्या उससे, आप ही बता दीजिए। नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ाई के खिलाफ बोल रहे हैं क्या? अगर स्कूल नहीं खोले जा सकते, मैं ये कह रहा हूँ खुलना चाहिए था, मैंने ये कहा कि कोरोना में खोलना चाहिए था, स्कूल खुलना चाहिए थे कोरोना में, पढ़ाई होनी चाहिए थी बिल्कुल बच्चों की कोरोना में। कोरोना में मैडम कहा सर, आपने खबरें कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? नहीं मैडम, एक जहाँ आप जब एक बात सुनिए, कहाँ पहुँच गए सत्यवीर डागर जी? एक मिनट मैडम, एक मिनट सुनिए, क्लियर कर दीजिए। जब जहाँ एक मिनट, जहाँ शांति थी, जहाँ स्कूल बच्चों की पढ़ाई हो सकती थी, वहाँ क्यों नहीं खोला इन्होंने स्कूल को? कौन सा ऐसा मोहल्ला रह गया था जहाँ कोरोना नहीं पहुँचा था इस पूरे विश्व में? नहीं कहा गया, आप सेकंड वेव की बात करिए, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बच्चे तो मैं खुद ही पीड़ित हूँ उससे, उस कोविड में मैंने भी 9 अपने रिश्तेदार खोए हैं। तो फिर सर आपने ऑनलाइन पढ़ाई का जिस तरह से विरोध किया, जब टाइम था बच्चों का, सुनो मैडम, जब पढ़ाई हो सकती थी, इस वक्त इतना कहां जब था? मामले घटे तो खोले थे स्कूल। खैर मैं आ जाऊंगी दोबारा आपके पास। हमारे साथ जयप्रकाश भाटी हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। जय, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आपके साथ वहाँ पर बने हुए हैं, क्या ये बच्चों के अभिभावक हैं? वो सरकार के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, पहुंचाइए हम तक, बातचीत कीजिए। पांचवी और आठवीं जो बोर्ड की परीक्षा है वो सरकार ने कहीं ना कहीं अब रद्द कर दी है। जो परीक्षाएं हैं वो ना कहीं स्कूलों में उसी तरीके से होंगी जो पहली और दूसरी क्लासों की होती थी, उसी तरीके से पांचवी और आठवीं की परीक्षा अब स्कूल में होंगे, और जो बच्चों हैं वो कहीं ना कहीं बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए जुटे हुए थे। कुछ परिवार के कुछ पेरेंट्स भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार का जो फैसला आया इसे कितना सही मान रहे हो कि जो पांचवी और आठवीं की बोर्ड जो रद्द की गई है। सर क्या नाम आपका? सर देवेंद्र नाम है जी। सर जो पांचवी और आठवीं की बोर्ड जो परीक्षा रद्द की गई है उसे कितना सही मान रहे हो सरकार का ये फैसला है? जो सर सरकार की तरफ से जो ये फैसला आया है बोर्ड की परीक्षा को जो रद्द किया गया है, इससे हम तो आम जनता तो खुश नहीं है। इसलिए क्यों खुश नहीं हो आप लोग? जी देखो, बच्चे की हम तैयारी कराते हैं, अच्छे से कोचिंग कराते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, और सरकार कभी बोलते हैं कि आठवीं की बोर्ड की
जो परीक्षा होती है उसे हटा दो, कोई बोलते 5वीं हटा दो, आगे आने वाले समय बोलेंगे कि 10th की 12th की भी हटा दीजिए, फिर ना तो बच्चे सीरियस पढ़ पाएंगे, नहीं पेरेंट होते हैं जैसे माता पिता होते हैं ना वो पढ़ा पाएंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। के आप जो फैसला आया कितना सही मान रहे हो इसे, और जो बच्चे आप जिस तरीके से कह रहे हो कि बच्चे 5वीं और 8वीं बोर्ड की जो रद्द कर दी गई है उसकी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, आप कोचिंग लगाने की बात कर रहे हो और उसके बाद सरकार फैसला लाती है कि जो 5वीं और 8वीं बोर्ड की है वो रद्द कर दी जाती है, उससे बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ता है? बच्चे पर साहब इतना प्रभाव पड़ेगा क्योंकि देखो बच्चे फिर 5वीं और 8वीं के बोर्ड को लेकर यह नया फैसला था कि इसमें भी बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएंगी, जिसका विरोध किया था अभिभावकों ने भी, कुछ अभिभावकों ने और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने। 10वीं और 12वीं की परीक्षा बंद करने की कहीं कोई बात हुई नहीं है, इनको जरा अपडेट कीजिए और बताइए कि रद्द नहीं हुआ है, केवल एक साल के लिए स्थगित किया है, अगले साल से ये परीक्षाएं हो सकती हैं, इस पर इनसे बात कीजिए। अभी तो फैसला आया था, कोचिंग कहाँ से लगा दिया बच्चों का बोर्ड के लिए, पूछिए। देखिए सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये रद्द नहीं हुआ, ये खाली एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा बोर्ड है वो भी कहीं ना कहीं रद्द कर दी जाएंगी, सरकार ने ये फैसला कब लिया है? आप जिस तरीके से नहीं लिया नहीं है, मतलब आने वाले समय में हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। तो 8वीं और 5वीं जिस तरीके से आप कह रहे हो कि बोर्डों की परीक्षाओं के लिए बच्चों के लिए कोचिंग दी हुई है, आपने कब से कोचिंग दिलाई हुई बच्चों को? बच्चों को पढ़ाई ट्यूशन नहीं कराते जी, ट्यूशन भी तो कराते हैं, उसी हिसाब से हम तैयारी कराते हैं बच्चों की अपनों की। और अब जैसे सरकार बोल रही है कि बोर्ड की परीक्षा हटा दी जाएगी, नॉर्मल कर दिया जाएगा, तो ऐसे फिर हम भी केयरलेस हो जाएंगे, बच्चे भी सोचेंगे नॉर्मल परीक्षा चल रही है, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। देखिए हमारे साथ महिला भी कुछ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो 5वीं और 8वीं की बोर्ड है वो कहीं ना आगे कर दी। मैडम आपके बच्चे है कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मेरे बच्चे नहीं है, मैं तो खुद स्टडी करती हूँ, मेरे बच्चे जय बातचीत को जारी रखिए, जो अभिभावक है उनसे अपनी बातचीत जारी रखिए, मैं लौट कर आती रहूंगी। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से हमारे जो साथी है कुलभूषण जी आपके पास आ रही हूँ। सर आप लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं एक पूरा एजेंडा बनाया है ये पैसे इकट्ठा करने के लिए बतौर एग्जामिनेशन फी, किस तरह का दबाव रहा कि कोरोना काल में ही ये फैसला लिया सरकार ने और कोरोना को ही वजह बताकर इस फैसले को वापस लिया? कुलभूषण जी नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। कौशिक साहब दरअसल ये मेरा सवाल नहीं था, बहुत स्वागत है आपका, ये मेरा सवाल नहीं था। 4 बजे, नमस्कार सर, 4 बजे मैंने फोन लाइन खोल दी थी दर्शकों के लिए, तो गुरुग्राम से राम जी करके एक रेगुलर कॉलर है, वो पूछ रहे थे कि सरकार से आप पूछिएगा कि जो फैसला लिया था 5वीं और 8वीं में बोर्ड कराने का वो कब लिया था, कोरोना में ही लिया था क्या? तो फिर कोरोना को रीजन बताकर उसको एक साल तक स्थगित करने का क्या मतलब? देखिए नविका जी, सरकार को रीजन लेती है भलाई के लिए लेती है, बिल्कुल हाँ। उसमें देखिए बच्चे हमारे 5वीं और 8वीं के बोर्ड पहले भी होते थे, ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा डिसीजन लिया गया था एजुकेशन का, तो उसमें ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जरूर समझी भी फैसला किया जाए 5वीं और 8वीं बोर्ड दोबारा किया जाए, इसे तो सही होता है ना, बच्चों को पता चलता है उनकी फिजिकलिटी पे लेकर बच्चे कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, तो एग्जाम तो मुझे लगता है हर तीसरे साल होना ही चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि लोगों की जो अनुभव हुई बहुत सारी शिकायतें आई, हमारी जो एसिस्टेंट है एजुकेशन की जो हमारे स्कूलों के एसिस्टेंट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, कुलप्रतिनिधि जी तो हमारे प्रदेश के नेता हैं, बड़े अपने स्कूलों को बहुत ध्यान रखते हैं, तो उनकी मांग को मुख्यमंत्री को मानते हुए नहीं। कौशिक साहब देखिए मैं आपकी हर्फ दर हर्फ से सहमत हूँ, सरकार सेवा के लिए ही बनती है, काम करने के लिए ही बनती है और आपको तो काम करना ही पड़ेगा, इसीलिए आपको चुनकर वहाँ भेजा गया है, आपकी कोशिशों को लेकर भी हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना, जो अब मुलाकात होने लगी उस मुलाकात के बाद फैसले बदलने लगे, आपने यू टर्न लिया, वो आंशिक यू टर्न ही है एक साल तक के लिए, तो ये जो तमाम होमवर्क है किसी भी नियम कायदे को बनाने से पहले नहीं हो जाना चाहिए क्या? या जो लोग कह रहे हैं कि आपने दबाव में आके फैसला लिया क्योंकि एग्जामिनेशन फी को लेकर क्वेश्चन किया गया, अभिभावकों ने कहा आप बताइए कैसे एक महीना में हो सकता है, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह को लेकर आपसे क्वेश्चंस किया गया, तो क्या ये वजह रही? कौशिक साहब दबाव वाली बात का जवाब दीजिए। हाँ सरकार हमें वही बता रहा, सरकार आपको लगता है सरकार कभी कोई दबाव में रहती है?
ये तो आप जवाब देंगे ना, आप पे सवाल उठ रहा है। नहीं मैं बता रहा हूँ लोगों के हित में है, ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार ने दबाव में डिसीजन ले लिया, सरकार को बिल्कुल समझे जाते हैं ये। चलिए उनको जवाब दे दिया, अब उनका जवाब दीजिए, मेरे को अभी भी जवाब मिला नहीं है उसका। जवाब दीजिए कि कोविड में फैसला लिया, फिर कोविड को ही रीजन बताकर उसे एक साल के लिए वापस ले लिया, तो ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है लोगों को, इसलिए वो कह रहे हैं कि दबाव में ले लिया क्या, वो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों की बातें आई हैं, शिकायतें आई, अभिभावकों की शिकायत आई, स्कूल एसोसिएशन में मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो ठीक है, उसके बाद उनके शब्द कहने से आपस में सलाम उसरा करके सामंजस्य बिठाया आप लोगों ने, तालमेल बिठाया, और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे, और फिर सीएम साहब ने कह दिया कि कोविड की वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई इसलिए एक साल स्थगित करते, यही बात कह रहे ना आप। यहाँ पर भी आप कटघरे में खड़े होते हैं कौशिक साहब, कि ये सामंजस्य आपने नियम कायदा अनाउंस करने से पहले क्यों नहीं बिठाया? जी मैं वही कह रहा हूँ ना जी, अब डिसीजन ले लिया सरकार ने, मैंने बताया आपको, अभिभावकों की बात सारी बातें आई, स्कूल एडमिशन मिले कि जी तो ठीक है, अगर तो पहले आपने अभिभावकों को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को आपने पहले भरोसे में नहीं लिया था? सरकार सरकार देखिए डिसीजन लेती है भलाई के लिए लेती है। चलिए हो सकता है थोड़ी ठीक है, नहीं अच्छी बात है, भलाई के लिए आपने डिसीजन लिया और एक साल के लिए ही स्थगित किया। सत्यवीर डागर जी, हाँ हाँ सत्यवीर जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। ठीक है बोलिए सतवीर जी, मैं आ रही थी, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है कौशिक जी से, जो हाँ। स्कूल हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी संख्या करीब 9000 के करीब है, उनकी एफिलिएशन सीबीएसई से, और ये कहते हैं कि नहीं आपको आठवीं का परीक्षा हरियाणा बोर्ड से दिलानी पड़ेगी, ये कहाँ का उचित है? ये ऐसा कौशिक साहब कौन सा कानून है कि तुगल की फरमान कि आप उनकी, अगर आपकी वहां से एफिलिएशन है तो एग्जाम यहाँ से देना पड़ेगा, जबकि इन्होंने हरियाणा बोर्ड की क्लासें नहीं पढ़ाई, सिलेबस अलग है, सिस्टम अलग है, कहीं मीडियम अलग है, कौशिक जी तो ऐसे भी ठीक है, रुक जाइए, ऐसे बच्चों पे कितना प्रेशर पड़ेगा? मौका दीजिए जवाब का, बोलिए कौशिक जी जवाब दीजिए। देखिए किस चीज का बच्चों पे क्या प्रेशर पड़ा हुआ, अगर 5 दिन पहले कोई डिसीजन लिया, मेरे ख्याल से 5 से 10 दिन पहले की बात है, तो उसमें इतना कम जो हो गया बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा, बताइए मुझे एक बार। बच्चे हमारे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, ये कौन कहता है पढ़ाई नहीं हुई, ये प्राइवेट स्कूल ऐसे हमारे बता दें, कुलभूषण जी बैठे हैं बता दें ये पढ़ाई नहीं हुई, तो पढ़ाई अगर हुई है तो फिर बच्चों को एग्जाम देने में दिक्कत क्या है? अगर डिसीजन हरियाणा बोर्ड से, कौशिक साहब मेरा प्रश्न आपसे ये है, एक सेकेंड रुकिए आप, आपकी बात पर आ जाते हैं कौशिक साहब की, कोई बता दे कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, तो अगर हुई है तो एग्जाम देने में दिक्कत क्या है? पढ़ाई नहीं हुई यही तो बोल के वापस लिया आपने फैसला एक साल के लिए, अब आप पूछ रहे हैं, आप चैलेंज भी कर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हुई, कोई बता दे। नहीं पढ़ाई का मतलब क्या है कि जो ऑनलाइन बच्चे जो हमारी स्कूलों के द्वारा पढ़ाई गई है, तो कुछ अभिभावकों भी शिकायत आई है, कुछ ऐसे भी बोला है कि जो प्रॉपर चीज जो प्रैक्टिकल जो हो सकता है सामने बैठ के जो पढ़ाई होती है उसमें ऑनलाइन में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, तो अगर सरकार ने बोर्ड का डिसीजन भी ले लिया तो उसमें बुरा क्या था? और सिर्फ यही नहीं कहा गया डीपी कौशिक साहब, ये भी आप पर आरोप लगा कि एग्जामिनेशन फी के तहत आप लोग एक बजट वसूलना चाह रहे हैं, और वो जिसकी आंकड़ा जो अमाउंट है वो बताया गया करोड़ों में है, ये फैसले के पीछे भी एक रीजन बताया गया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से, मतलब कुलभूषण जी बैठे हैं मेरे सामने, मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं भी स्कूल चलाता हूँ, मुझे नहीं लगता है सरकार की कोई ऐसी सोच है कि करोड़ों रुपए का हम लोग इनसे लेके ऐसा हमने कुछ ऐसा डिसीजन लिया होगा, सरकार कभी कोई प्रेशर नहीं है, लोग हित में सरकार है, लोग हित के फैसले लिए गए। कुछ और भी बता रहे थे कुलभूषण जी कि और भी मसलों पर आपसे बात हुई थी, और वो स्वागत कर रहे हैं आपके इस फैसले का, लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने और मसलों पर भी बात की थी कि इस ये लागू करने से पहले आप यही अमुक अमुक फैसला ले लीजिए। कुलभूषण जी ये बातों का जवाब देना चाहूंगा कौशिक जी की, ना तो हम दाम से भागते हैं ना प्राइवेट स्कूल में कह रहा है कि पढ़ाई नहीं है। देखिए आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को भी नकारना चाहते हैं कौशिक जी, असलियत को भी नकारना चाहते हैं, और भारतीय केंद्र सरकार की आदरणीय मोदी जी की केंद्रीय शिक्षा नीति को भी नकारना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बच्चे 2 साल पीछे चले गए क्योंकि डिजिटल
जब पढ़ाई हुई है ऑनलाइन, बहुत जगह पे गैजेट नहीं थे, ये बातें हमें माननी चाहिए, लोगों के पास उतनी जो है नहीं, वो तो मान ली ना सर, ठीक है। बीती जो भारतीय शिक्षा नीति क्या कहती है, उन्होंने कहा कि तीसरी पांचवी आठवीं की भी असेसमेंट जरूरी है, लेकिन पांच दिन पहले ये प्लानिंग नहीं होती है और उसके लिए एक प्राधिकरण के गठन की बात कही गई है पहले, ये नहीं कि आप बोर्ड को उसका अधिकार दे दें। अगर SCERT के पास ये कैपेसिटी नहीं थी तो SCERT को सारी जो एजेंसीज हैं उनको कॉल करना चाहिए और उसके बाद एक असेसमेंट का प्रॉपर सिस्टम बढ़े, पहले SSSA का गठन हो जो चैप्टर 8 में भारतीय शिक्षा नीति में कहा गया है, जिसको हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन कोई भी इस बात को भूलना ही नहीं चाह रहा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी एक्सरसाइज की, लाखों लोगों की राय ली, पंचायत से लेकर सांसदों तक की राय लेकर इस जो अथॉरिटी के गठन की बात कही, और हम इसको पूरा कचड़े में फेंक कर और 40-50 करोड़ कमाने के चक्कर में भी, बिल्कुल इस पे सही बात है। तो एक महीने पहले परीक्षा की बात होती है, एक साल पहले बच्चों को बताया जाता है, अगर बच्चे मासूम बच्चे 14 साल के बोल नहीं सकते तो अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है ठीक है, फिर नहीं नहीं बीच वाली बात खाली रखेंगे क्योंकि सरकार ने एक साल के लिए स्थगित कर दिया, तो रुक जाइए ना कुलभूषण जी, रुक जाइए, ठीक है सर, प्राधिकरण के गठन पर बात कर लेते हैं। कौशिक साहब जी जवाब दे दीजिए, आ रही हूँ सत्यवीर जी आपके पास आ रही हूँ, जरा सुन लीजिए। क्या नाम है सर, मैंने क्वेश्चन सुना नहीं आपका। सवाल इनका ये था कि इन्होंने एक सजेशन दिया था कि प्राधिकरण का गठन कीजिए, केंद्र शिक्षा नीति को चैलेंज मत कीजिए, एक साल बाद भी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उससे पहले भी आप पूरा होमवर्क कर लीजिए, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट को लेकर शायद ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आपको वो कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम हो, यही ना कुलभूषण जी, ठीक है। डीपी कौशिक साहब जवाब दीजिए। देखिए नमिता, मैं कहता हूँ सरकार के पास सुझाव आएगा, हमने सुझाव को माना इन चीजों में, ये तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि हमने ये की बात मान ली तो सरकार झुकी, और भी सरकार देखिए समय समय पे सबसे रह मशुरा करके जो भी पब्लिक हित का काम होगा उसका सरकार कतई कोई गुंजाइश, कुछ ठोस नतीजा लेने से पहले राय मशवरा होते हैं ना, तो इस तरह के फैसले, इस तरह के सवाल नहीं उठते। कौशिक साहब क्या ये आप समझ रहे हैं, नीति के तहत तो सर, नीति के तहत था तो चंद लोगों के विरोध की वजह से वापस क्यों ले लिया सर, सब कुछ नीतिगत था, बच्चों के फेवर में था, सब कुछ नीतिगत था, शिक्षा नीति के तहत था, बच्चों के फेवर में था, किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, ऑनलाइन आपके शिक्षकों ने अच्छा पढ़ाया था, वापस क्यों ले लिया फिर? मैं बताया कुछ चीजें ऐसी होती है, कैसे होती है सर ये चीजें, इनको पूरे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को अभिभावकों को ऐसे नहीं जैसे पाई हो रही, ठीक है सुझाव आए, सुझाव मान लिए गए सर, ये सुझाव पहले की पहले नहीं लिया आपने, इसलिए सवाल उठ रहा है, या तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ, आपने कहा दिए कि लॉ जितना पावन 3 कृषि कानून हम वापस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ किसान नहीं चाहते और हमको सबको लेकर चलना है, अब आपने इसको भी एक साल के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि कुछ लोगों ने सुझाव दिए थे, क्या इस तरह से गवर्नमेंट चलेगी? सत्यवीर जी मैंने जो क्वेश्चन पहले उठाया था, कौशिक साहब ने जवाब नहीं दिया। हाँ। मैंने ये कहा था कि जो CBSE जो प्राइवेट स्कूल हरियाणा के अंदर है और जिनका एफिलिएशन CBSE से ICSE बोर्ड से है, अब वो हरियाणा के बोर्ड की परीक्षा क्यों देगा वो आठवीं के लिए, ये एक इश्यू था, कोर्ट में मना कर दिया था, कोर्ट के एग्री भी हो गए थे, ये लोग एग्री हो गए थे, फिर जो चेयरमैन है जगवीर जी उन्होंने फिर कहीं से प्रेशर डाला कि भाई नहीं 5,000 रुपए बिल्कुल ये ठीक है, ये करोड़ों में राशि जाएगी, 5,000 रुपए पर स्कूल से आप चार्ज करना है और पर स्टूडेंट अलग चार्ज करना है, मुझे ये बताइए जिनकी आपसे लेना देना नहीं है आप उन स्कूलों को क्यों बाध्य करते हो कि भाई आप हरियाणा बोर्ड देना ही पड़ेगा, ठीक है जवाब दे दीजिए डीपी कौशिक। देखिए हरियाणा शिक्षा नीति के तहत ये जो चीज कह रहे हैं कि भी यूपीएससी के बोर्ड एग्जाम में पहले पहले हमारे हरियाणा के होते हैं सीबीएसई स्कूल वालों को, अगर हरियाणा के देने में दिक्कत है तो क्या क्या परेशानी हो रही, सरकार को अपना तरीके से सरकार को चलाना है। सर 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 मैं ये डिबेट में आपसे सवाल पूछ चुकी हूँ, अभिभावकों ने आपसे बात की है तो आपको बेहतर पता होगा, जो ये पूछना चाह रहे हैं कि सबका सिलेबस अलग है, अगर सिलेबस सेम भी है कहीं पर तो NCERT की बुक्स नहीं है, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स है, CBSE का अलग सिलेबस है, वो हरियाणा का बोर्ड कैसा कैसे देगा, कोर्ट में जाकर बात की मनाई हो चुकी है, ये तमाम सवाल है सत्यवीर जी के,
कि जिसने एनसीईआरटी के बुक्स पढ़े ही नहीं वो कैसे पेपर दे देगा। ये जो तैयारियों को लेकर परत दर परत सवाल पूछे गए, मेरा सवाल वो था, आप सत्यवीर जी को जवाब दे दीजिए क्विक, मेरा सवाल वो था कि ये पहले क्यों नहीं कर लिया आप लोगों ने, फटाफट सा 20 सेकंड ही आपके पास। मैं वो एनएमएल का कह रहा हूँ, ठीक है सरकार का एक डिसीजन लिया था, सरकार ने कितने था लोगों को समझ में नहीं आया, हमने वापिस ले लिया। अरे इसको होमवर्क किया जाएगा, एक साल के लिए स्थगित कर दिया था, मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में हो जाए तो बेटर है, इसमें मतलब कोई नुकसान तो है नहीं, या कोई एडिशनल वो दे दिया कि सरकार ने देने की आपको फेल पास की वो है, अगर वो सीबीएसई का पास कर रहा है तो हरियाणा बोर्ड का देने में मुझे लगता है कितना डिफरेंस होगा एनसीईआरटी में, मैं तो ज्यादा नहीं समझता मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है आप ये सवाल समझ नहीं रहे सर, जब सिलेबस जो है ही नहीं वो उसके एग्जाम्स कैसे दिए जा सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक्स हैं कहीं और अलग पब्लिकेशंस के बुक्स हैं, हालांकि अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं बन जाता है, रह जाता है क्योंकि आपने एक साल के लिए स्थगित कर दिया। अगली बार जब आप इसको अनाउंस करेंगे हम लेने जा रहे हैं पांचवी और आठवीं के बोर्ड, तो इस तरह के सवाल कुलभूषण जी की तरफ से ना उठे कि आप पांच दिन या एक महीना पहले मत बताइए, पहले बताइए, ये उम्मीद रहेगी सरकार से। बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त दिया आप लोगों ने, बहुत धन्यवाद।